नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा। देश में खाली पड़ी 3 लोकसभा और 30 विधानसभा सीटों पर 30 अक्टूबर को उपचुनाव करवाए जाएंगे। चुनाव आयोग ने इस सिलसिले में नोटिस जारी किया है। जिन राज्यों में लोकसभा सीटें खाली हैं उनमें दादरा और नागर हवेली, दमन और दीव, मध्य प्रदेश खंडवा और हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट शामिल है। इसके साथ ही 14 राज्यों की 30 अलग अलग विधानसभा सीटों पर भी चुनाव होने हैं। और निर्वाचन आयोग के मुताबिक आयोग ने महामारी, बाढ़, त्योहारों और कुछ क्षेत्रों में ठंड की स्थिति, संबंधित राज्यों, केंद्रों शासित प्रदेशों से मिली प्रतिक्रिया की समीक्षा की है और सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों पर गौर करते हुए 3 संसदीय क्षेत्रों में उपचुनाव करने का निर्णय लिया है। इस बीच एक बड़ी जानकारी मिल रही है। चुनाव आयोग ने उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। 30 अक्टूबर को हिमाचल और राजस्थान में चुनाव होंगे। हिमाचल की 1 लोकसभा, 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे। राजस्थान में 2 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे और 8 अक्टूबर को नॉमिनेशन होगा। 11 को स्क्रूटनी होगी। 13 अक्टूबर को नाम वापस ले सकेंगे प्रत्याशी। 2 नवम्बर को हिमाचल और राजस्थान में भी मतगणना होगी। 30 अक्टूबर को हिमाचल और राजस्थान में होंगे चुनाव। इस वक्त का बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। हिमाचल की 1 लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों पर ये चुनाव होने हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि राजस्थान में 2 विधानसभा सीटों के लिए मत डाले जाएंगे। 8 अक्टूबर को इसके लिए नॉमिनेशन रहेगा। 11 अक्टूबर को स्क्रूटनी होगी। 13 अक्टूबर को नाम वापस ले सकेंगे प्रत्याशी, तो नाम वापस लेने की आखिरी तारीख रहेगी। हिमाचल से ब्यूरो मोहित प्रेम शर्मा इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट्स के साथ। मोहित, हिमाचल की 1 लोकसभा और 3 विधानसभा सीट पर चुनाव होने हैं, इसको लेकर फिलहाल चुनाव आयोग की तरफ से क्या जारी किया गया है और किस तरीके से तैयारियां? बिल्कुल, देखिए, जो चुनाव आयोग की तरफ से जो तारीख तय की गई है वो 30 अक्टूबर की गई है और इसके साथ 1 लोकसभा, क्योंकि मंडी में लोकसभा चुनाव होने हैं और 3 विधानसभा क्षेत्रों में जो है वो चुनाव होने हैं और 8 अक्टूबर को नॉमिनेशन प्रक्रिया शुरू होगी, क्योंकि जब 11 अक्टूबर जो है उसमें स्क्रूटनी होगी। इसके साथ 13 अक्टूबर को जो नाम लेने तारीख है वो वापस लेने की तारीख रहेगी, यानी 13 अक्टूबर तक जो प्रत्याशी अपने नाम वापस ले सकते हैं और 30 अक्टूबर को चुनाव होंगे और 2 तारीख को, यानी उसके बाद जो है 2 नवंबर को जो है वो काउंटिंग जो है वो शुरू हो जाएगी। तो कह सकते हैं कि इस समय तैयारी के लिए वक्त मिल गया और चुनाव जो है, क्योंकि कोरोना काल है तो उसको देखते हुए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि छोटे चुनाव है, उपचुनाव है और 3 जगहों पर चुनाव है अगर कहें विधानसभा क्षेत्रों में, जिसमें अर्की है और साथ ही आपका फतेहपुर है और जुब्बल कोटखाई जो है, इन विधानसभा में जो है वो चुनाव है। अर्की में पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह, जो की हाल ही में उनका निधन हुआ है, 6 बार मुख्यमंत्री रहे हिमाचल प्रदेश के, तो वो सीट खाली हुई उनके निधन। जबकि जुब्बल कोटखाई में नरेंद्र बराट्टा जो है उनका निधन हुआ था कोरोना काल में, कोरोना के चलते, तो वो भी सीट जो है वो खाली हुई है। और एक तरफ फतेहपुर जो है वहां पर सुजान सिंह पठानिया, जिनका निधन हुआ था कांग्रेस की तरफ से, थे पूर्व मंत्री भी रहे हैं, तो वो सीट जो है वो भी खाली है। इन तीनों सीटों पर जो है वो चुनाव होने हैं और जिनमें से कि जुब्बल कोटखाई पर जो विधानसभा क्षेत्र है वहां पर बीजेपी जो है वो वर्तमान जो पहले के प्रत्याशी थे वो बीजेपी के थे और बाकी 2 सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशी थे। इसके साथ ही मंडी लोकसभा सीट, क्योंकि सबसे हॉट सीट जो है इस समय हिमाचल प्रदेश के दृष्टिगत, तो मंडी लोकसभा सीट है और वहां पर से, क्योंकि सीएम जयराम ठाकुर भी वहां से ताल्लुक रखते हैं उस जिले से, तो और दूसरी तरफ कांग्रेस से कौन प्रत्याशी होगा ये भी एक जो है दिलचस्प बात रहेगी, क्योंकि पूर्व सीएम वीरभद्र की पत्नी जो कि पहले भी मंडी से सांसद रह चुकी हैं, उन्होंने एक बार फिर से इच्छा जाहिर की है मंडी से चुनाव लड़ने के लिए। दूसरी तरफ जो कदवार नेता रहे हैं सुखराम, जो कि सुखराम पंडित सुखराम, जो कि पूर्व जो है केंद्रीय मंत्री से दूरसंचार मंत्री जो है वो रह चुके हैं, उनका दबदबा खासतौर पर मंडी में काफी है। उनके जो पुत्र हैं वो अनिल शर्मा, वो हालांकि वो बीजेपी में है वर्तमान में, वो ठीक है। मोहित, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट साझा करने के लिए। और चलिए अब सीधा रुक करेंगे उत्तर प्रदेश का, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आशा वर्कर्स